चीन से निकलने वाली कंपनियों को आकर्षित करने के लिए भारत एक खास रणनीति पर काम कर रहा है। इसके तहत इन कंपनियों को बहुत बड़ी जमीन मुहैया कराई जाएगी। इस मामले के जानकार बताते हैं कि इसके लिए देश भर में 4,61,000 हेक्टेयर जमीन की पहचान की गई है। इसमें से 1,15,000 हेक्टेयर जमीन गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे इंडस्ट्रियल राज्यों में है। आपको बता दें कि किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में निवेश करने के लिए जमीन की उपलब्धता ही सबसे बड़ी बाधा रही है। पोस्को से लेकर सऊदी अरेमको तक जमीन अधिग्रहण को लेकर परेशान हो चुकी हैं। अब केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर इसमें बदलाव करना चाहती है ताकि इन्वेस्टर्स चीन पर निर्भरता कम करें और कोरोना वायरस महामारी के बाद भारत आ सकें। वर्तमान में भारत में निवेश करने को इच्छुक कंपनियों को खुद ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। कुछ मामलों में इस प्रक्रिया में उनके प्रोजेक्ट को लेकर देरी होती है क्योंकि इसमें छोटे प्लाट मालिकों को तैयार करना हो, मोलभाव करना हो, बेहद कठिन हो जाता है। हालांकि वाणिज्य मंत्रालय ने इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। ऐसे में बिजली, पानी और रोड के साथ जमीन की उपलब्धता से भारत की तरफ निवेशक आकर्षित हो सकते हैं। भारत के लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो चुकी है और खपत व मांग में भारी कमी आई है। विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं। 30 अप्रैल को पीएम मोदी ने सभी राज्यों के साथ इस बात पर चर्चा की ताकि बड़े स्तर पर निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। आंध्र प्रदेश सरकार जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया की कुछ कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी लैंड अलॉटमेंट के लिए ऑनलाइन सिस्टम तैयार करने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार डिफेंस और एयरोस्पेस की कुछ विदेशी कंपनियों से संपर्क में भी है। अब ये माना जा रहा है कि कोरोना वायरस के बाद चीन से कई बड़ी कंपनियां अपना ऑफिस बदल सकती हैं और उनकी निगाहें अब भारत पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APNS।